इस वीडियो में आपको बताने वाला किस तरीके से आपको अपने iPad Pro जो 2020 जनरेशन है उसको पावर ऑफ कैसे करना है, क्योंकि पावर ऑन के लिए तो जब आप लोग पावर ऑन करते हो तो ये वाला बटन जो ऑन एंड ऑफ वाला है इसको तो आप लॉन्ग प्रेस करके स्टार्ट तो कर लेते हो, बट पावर ऑफ जब करने की बात आती है और जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो जो है ये सीरी ऑप्शन खुल जाता है। तो आप लोग के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि यार ये आखिर पावर ऑफ कैसे करें, कैसे होगा। तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, कुछ लोगों को पता चल जाता है बट बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना रहेगा। आपको साइमल्टेनियसली दो बटन एक साथ दबाना होगा, एक तो हमारा पावर ऑन एंड ऑफ का बटन और दूसरा जो बटन होगा वो हमारा होगा वॉल्यूम का अप एंड डाउन वाला। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं दोनों बटन को एक साथ प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट होता है पावर ऑन एंड ऑफ वाला, ये ऑप्शन आपका आ जाता है कि आप जैसे ही स्लाइड कर देंगे स्लाइड टू पावर ऑफ तो ये जो है पावर ऑफ हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहा होगा। और साथ ही एक और तरीका पावर ऑफ करने का, सेटिंग्स में आप जाके जो है जैसे आप सेटिंग्स के जनरल वाले ऑप्शन में आप जाएंगे यहाँ आप देख सकते हैं शट डाउन का ऑप्शन है, तो जैसे आप शट डाउन पर क्लिक करते हैं ये आपको स्लाइड टू पावर ऑफ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप बटन नहीं प्रेस करना चाहते सेटिंग्स में जाके आप फटाफट से जो है ऑप्शन से यहाँ आप देख सकते हैं शट डाउन का ऑप्शन होता है, यहाँ आप डायरेक्टली जाके जो है शट डाउन कर सकते हैं अपने आईपैड प्रो को बहुत ही ईजिली तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और साथ ही ये ऑप्शन जो मैंने बताया शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ ही चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन जो है प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं।